1.5 हम लोग देखेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फिल नंबर विच मैनी बी आइदर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रियल नंबर, क्या होगा, रियल नंबर विच मैनी बी आइदर रेशनल और इरेशनल, दोनों होते हैं रियल नंबर। क्या रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। सेकेंड है द डेसिमल फॉर्म ऑफ एंड इरेशनल नंबर इज आइदर, क्या होगा, आइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनका नॉट टर्मिनेटिंग होता है और नॉट रिपीटिंग होता है, क्या कहते हैं हम लोग उनको, इरेशनल नंबर कहते हैं। तीसरा क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा नहीं तो रिपीटिंग होगा, और इरेशनल में क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल नंबर इज आइदर, आइदर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर और नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसका होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट रूट सिक्स रूट सेवन रूट एट ऑन द नंबर लाइन। तो हम आपको बताएंगे कि रूट सेवन या रूट सिक्स जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए नाइन रूट नाइन, तो आप बना देंगे प्लस थ्री को या माइनस थ्री को, उसको तो आप बता सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अगर आपको कोई इरेशनल नंबर कह दिया जाए तो आपको कैसे बनाना है वो नंबर, तो आप पहले देखिए कैसे बनाते हैं। आपको रूट सिक्स निकालना है कि रूट सिक्स कैसे आएगा। तो हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ से टू यूनिट पे डिस्टेंस ले लिए, ये कितनी है टू यूनिट। अब यहाँ से वन यूनिट और ले लेंगे हम लोग, वन ले लिए तो ये कितना होगा वन। अब हम लोगों को अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट होता है टू टू जा फोर प्लस वन, कितना हो गया रूट फाइव हो गया। हम लोगों को क्या आ गया रूट फाइव आ गया। पहले हम लोग रूट फाइव की वैल्यू निकालते हैं, और हम लोगों को रूट फाइव ही चाहिए था, तो अब क्या करेंगे ये पॉइंट इसको ऐसे कर देंगे तो ये रूट फाइव कहीं यहाँ पर आएगा, 2.5 के पहले आएगा। तो रूट फाइव हम लोगों को अगर मिल जाएगा, आपको पता हो गया 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो गया, लेकिन उसका हम लोग रूट लेंगे तो हम लोगों को रूट फाइव मालूम हो गया। अब हमको ये मालूम है कि यहाँ तक इतनी डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक तो 2 है, लेकिन यहाँ पर रूट फाइव की जो वैल्यू होगी हमको ये नहीं पता रूट फाइव की वैल्यू क्या है। क्यों नहीं पता, क्योंकि इरेशनल है, फाइव के ऊपर रेडिकल है तो हम लोग बता, लेकिन जो भी होगी ये पता है कि वो इस पॉइंट पर होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस कितनी है रूट फाइव। अब हम लोग अगर फिर वन यूनिट ले लें परपेंडिकुलर, वन हमने ले लिया ये कितना था रूट फाइव, और ये कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर। फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि ये जो हम लोगों को नया बेस आया, पहले वाला हटा दें, पहले वाला तो आ गया रूट फाइव, अब जो नया बेस आया है उसकी यूनिट क्या है, वो कितना कितने मीटर है, तो ये कितना था रूट फाइव, तो हम लोग रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर कितना था वन का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद रूट ले लेंगे तो ये कितना होगा रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और वन का स्क्वायर वन, कितना आ गया रूट सिक्स आ गया। अब रूट सिक्स हम लोगों को मालूम हो गया यहाँ पर, अब फिर आप इसको करेंगे ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक कोई यहाँ पर पॉइंट होगा, ये नहीं पता कौन सा पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि किस पॉइंट पे आएगा तो आप एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते, आप बताएंगे कि यहाँ पर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा आप नहीं बता सकते क्योंकि इरेशनल नंबर है। अब जब आपको रूट सिक्स पता चल गया रूट फाइव पता चल गया, क्वेश्चन में इसीलिए दिए हुए हैं रूट सिक्स रूट सेवन रूट एट कि आप एक बनाने के बाद बनाइए। अब आपको रूट सिक्स पता हो गया कि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है रूट सिक्स आपका आ गया। अब देखिए बस पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए, ये इतनी डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी है रूट सिक्स है। अब हम लोगों को रूट सेवन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर बनाएंगे कितना वन वन यूनिट का, तो क्या होगा रूट सिक्स का स्क्वायर। अब फिर जो हम लोगों को जो नया बेस आया इसको हम लोग निकाल वो हाइपोटेन्यूज आया निकालेंगे कि कितना है, तो क्या करेंगे रूट सिक्स का स्क्वायर कर देंगे और रूट
प्लस वन का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आया, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स होता है और वन का स्क्वायर वन होता है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, रूट सेवन आ जाएगा। रूट सेवन हम लोगों को पता चल जाएगा कहाँ है, जो नया बेस आया उसी को हम लोग का निकाल लेंगे, तो रूट सेवन के हम लोगों को पता चल जाएगा कि रूट सेवन नंबर लाइन पर कहाँ होता है। अब इसके बाद रूट एट दिया हुआ है, अब रूट एट आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप निकाल लेंगे रूट एट को कैसे हम लोग निकालेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट में है, रिप्रेजेंट रूट 3.5 कहाँ पर रहेगा नंबर लाइन में, एंड 9.4 कहाँ पर रहेगा, और रूट 10.5 कहाँ पर रहेगा ऑन द रियल नंबर लाइन। तो हम आपको बताएंगे कि रूट 9.3.5 और 9.4 रूट में है या 10.5 है, या कोई भी नंबर जो पॉइंट में है और रूट लगा हुआ है उसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि रूट 3.5 को नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बना लेनी है, उस पर आप 3.5 तक देख लेंगे, ए से लेकर बी तक कितना है 3.5, फिर 3.5 के बाद आप वन यूनिट और ले लेंगे, वन यूनिट जब आप ले लेंगे उसके बाद ये जो लाइन है इसका आप लोग मिड पॉइंट निकालेंगे, ऐसे एक आर्क यहाँ से, एक इस वाले पॉइंट से लगाएंगे यहाँ से, और एक इसी तरह नीचे लगाएंगे, और एक यहाँ से लगाएंगे इस पर, हम लोग इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे जो नई लाइन आई है। मिड पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, अब जो मिड पॉइंट आया उसको हम लोग मानते हैं कि P है, और ये जो पॉइंट B था 3.5 के बाद वन यूनिट और लिए थे इसको हम लोग रेडियस मान लेंगे, क्या कहेंगे कि ये रेडियस है, और इसी रेडियस का हम लोग एक सेमी सर्किल बना देंगे, एक सेमी सर्किल हमने बना दिया। उसके बाद इस 3.5 से रूट 3.5 को बनाना है, इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, कितने वन यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए ऐसे। अब ये इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है सर्किल को, इसको हम लोग कोई पॉइंट मान लेंगे कि के है, और फिर इसको इसके मिड पॉइंट से मिला देंगे ये। अब क्या हुआ, अब ये जो हम लोगों का पॉइंट आया है ये के पॉइंट, यही पॉइंट है रूट 3.5, रूट 3.5 की वैल्यू यही होगी। अब इसको हम लोग ऐसे ला के मिला देंगे। अब ये मत कहिएगा कि रूट 3.5 की वैल्यू 3 प्लस 1 के बाद ये पॉइंट जो आएगा वो होगी, इसको तो हम लोगों ने केवल तरीका है क्वेश्चन करने का, 3.5 इसको आप नहीं जोड़िएगा, नहीं 3.5 ये और 1 ये जोड़ लीजिए कि रूट 3.5 की वैल्यू 4.5 से बड़ी हो गई, ये नहीं, फिर आप इतना हटा दीजिएगा कितनी 1 पॉइंट के बाद जो आएगी ये इतनी होगी वैल्यू। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.4 आपको रूट में बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9.4 बना लेंगे, उसके बाद 1 यूनिट और ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 1 यूनिट के बाद जितनी डिस्टेंस है उसका आप आधा कर देंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालने के बाद 9.4 से जितनी डिस्टेंस है उसको आप रेडियस मान के एक सर्किल ड्रा करेंगे। जब सर्किल आपका ड्रा हो जाएगा तो 9.4 से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट आपको मिलेगा उसको मिड पॉइंट से मिला देंगे, जो पॉइंट आएगा वही होगा रूट 9.4। इसी तरह आप रूट 10.5 देख सकते हैं नंबर लाइन पे कैसे बनेगा। उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या है, ट्रू फॉल्स, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर सारे होते हैं, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, ट्रू है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, हाँ बिल्कुल पाई इरेशनल नंबर है, ये ट्रू है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी हम लोग कन्फर्म इतनी बता नहीं सकते, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बहुत बड़ी होती पाई की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाई पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, कह रहे हैं कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पे नहीं बना सकते, बना सकते हैं, अभी हमने रूट सिक्स बनाया है, रूट सेवन बनाया है, आपने रूट एट बनाया है, ये देखिए बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे बना सकते हैं, इसका मतलब ये जो कह रहे हैं ये फॉल्स होगा।